तो दोस्तों, आज एक ख्वाब ने मुझसे पूछा कि पूरा करोगे या टूट जाओगे। मैंने तो जवाब दे दिया कि जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप क्या जवाब दोगे? हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है March 3, 2020, डे है ट्यूसडे। आप लोगों को आज जो न्यूज कवर करनी है वो आपकी स्क्रीन पर है विद दी जीएस पेपर्स। ये जो अपडेट है व्हाट टू बी रीड इन द हिंदू, मैं डेली आप लोगों के लिए अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देता हूँ, जिन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आज की पहली खबर के साथ शुरू करते हैं। पहली खबर हमें पेज नंबर 6 पे देखने को मिलती है। बात की जाती है कि ओवर 1.13 लाख डाउटफुल वोटर्स इन असम। सरकार ने बोला है कि यहां पर देर आर मोर देन 1.13 लाख डाउटफुल वोटर्स, जिन्हें डी वोटर्स के नाम से जानते हैं, और जो 6 डिटेंशन सेंटर्स हैं, दे आर करेंटली होल्डिंग 680 पीपल, जिनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां पर बोला गया कि अराउंड 4,32,944 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट सस्पेक्टेड फॉरेनर्स बिटवीन 1985 एंड 2019। जो डी वोटर वाली कैटेगरी है, इट स्टक आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट वॉज बींग हाउस्ड इन द डिटेंशन सेंटर्स अलॉन्ग विद 680 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। जो डी वोटर्स हैं, अगर उनको नॉन सिटीजन माना देखा जाता है तो उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर देती है फॉरेनर ट्राइब्यूनल। 97% जो बाउंड्री है असम की बांग्लादेश के साथ वो ऑलरेडी सील्ड है, एंड बांग्लादेश हैज ऑब्जेक्टेड टू फेंसिंग ऑफ 4.35 किलोमीटर स्ट्रेंच इन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, सो एडवांस टेक्नोलॉजी इज बींग एम्प्लॉयड देयर। तो इंटरनल सिक्योरिटी का हम लोग पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एनआरसी एक्सरसाइज है उसकी कॉस्ट अराउंड 1,348.1 करोड़ रुपए रही। जो असम का एनआरसी है वो अपडेटेड वर्जन है 1951 वाले का, जिसके अंदर यहां पर अपडेट करने के बाद जो हमारे देश के अंदर जो फॉरनर्स हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जा रहा है। बेसिकली यहां पर जो लोग बांग्लादेश से असम के अंदर घुस गए हैं उनके लिए यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, वो है कि ये डाउटफुल वोटर्स होते कौन है। ये जो डी वोटर्स होते हैं, जिन्हें डुबिशियस वोटर्स या डाउटफुल वोटर्स कहते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डाउटफुल वोटर्स हैं ये वो वोटर्स होते हैं हु हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड ड्यूरिंग इलेक्टोरल रोल रिविजन, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल रिविजन के अंदर नहीं आया है बिकॉज उनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप क्रीडेंशियल नहीं थे। डी वोटर्स कंटिन्यू टू रिमेन ऑन असम्स इलेक्टोरल रोल, हाउएवर दे कैन नॉट वोट इन अ इलेक्शन अनलेस, यहां पर जो केस है वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल डिसाइड नहीं कर देती। एक और आर्टिकल आपको पेज नंबर 9 पे देखने को मिलता है, हैकर्स मे हैव एक्सेस टू योर स्मार्ट डिवाइस। गाइस, अगर आप लोग इस तरीके के स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आपका आईफोन हो, आईपैड हो, अमेज़न इको हो, किंडल हो, ये कुछ हैंडसेट्स हैं जो कि गूगल, सैमसंग और शाओमी के हैं, उन डिवाइसेस के अंदर वाईफाई चिप्स का इस्तेमाल होता है। जो वाईफाई चिप्स होती हैं दे हैव बीन टेकन ओवर बाय हैकर्स, जिससे आपकी प्राइवेसी के ऊपर खतरा आ सकता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर कवर करने की बात की जा रही है इन सारे के सारे वल्नरेबल डिवाइसेस की। यहाँ पर जो ईसेट है उसने डिस्कवर किया कि जो वाईफाई चिप मैन्युफैक्चर की जा रही है बाय दी ब्रॉडकॉम और सिप्रस, उसके अंदर KR00 के वल्नरेबिलिटी है, जो कि यहाँ पर एक लीकेज डाल देती है। ओके, हुआवे, आसस जैसी कंपनियां भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। पेज नंबर 9 पे एक और खबर मिलती है, बेल बैक्स $40 मिलियन डिफेंस डील फ्रॉम आर्मेनिया। तो यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने $40 मिलियन की यहां पर एक ऑर्डर लिया है फॉर सप्लाइंग दी 4 वेपन लोकेटिंग रडार्स। जो वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं वो हम लोग देंगे किसको? आर्मेनिया को देंगे। हम लोगों ने रशियन और पोलैंड की फर्म्स को हरा कर ये बिग बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है। हम लोग क्या देंगे? हम ये देंगे Swathi WLR। Swathi WLR वॉज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाई DRDO एंड उसको मैन्युफैक्चर किया है बेल ने।
ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेज्ड अरे रडार है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लोकेट कर देता है एक हॉस्टाइल आर्टिलरी को, ओके, रॉकेट लॉन्चर्स को। इट कैन ऑल्सो ट्रैक फ्रेंडली फायर टू लोकेट द इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ फ्रेंडली आर्टिलरी फायर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। आर्मेनिया का मैप हम लोग सबसे एंड में कवर करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, पेज नंबर 9 पे हमें एक और खबर मिलती है, फार्मर्स टर्न टू सोलर एनर्जी फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो जो पैडी फार्मर्स हैं यहाँ पर केरला के अंदर, अब वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट रिड ऑफ पेस्ट दैट हैव इन्फेक्टेड देयर फील्ड्स। जो सोलर लाइट है वो ट्रैप कर लेती है, उसके अंदर यहाँ पर एक वेसल है सोलर पैनल के साथ साथ एलईडी बल्ब है, जो लाइट है वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को इनटू दैट पर्टिकुलर डाई और उसमें गिरने के बाद यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर हमें खबर मिलती है, ऑफिस एस्टिमेट्स जो GDP है फॉर द थर्ड फिस्कल क्वार्टर वो यहाँ पर सिर्फ 4.7% रहा। इसका मतलब यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है अगर हम लोग इससे पहले 5.6 और 5.1 वाले से कंपेयर करें। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जस्ट अंडर अ फिफ्थ टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट वॉज द बिगेस्ट ड्रैग जहाँ पर 0.2% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। इसके साथ साथ जो आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी की अलाइड यूटिलिटी सर्विसेज की वो भी श्रैंक हुई बाय 0.7%। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि लैक ऑफ डिमांड, डिमांड तो है ही नहीं मार्केट के अंदर। जो एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन की, जनरेशन की, गुड्स की, फ्रॉम सीमेंट टू स्टील, वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं। इट वॉज सॉफ्ट वरिंगली टू अ 0.3% एक्सपेंशन। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, द थ्री लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर्स की इंक्लूडिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वहाँ पे हमें ओवरऑल जो GVA है वो अब बढ़ता हुआ नजर आया। जो फार्म आउटपुट है वो एक्सपेंड हुई बाय 3.5%। गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज 9.7% से एक्सपेंड हुई। जो NSO का एस्टिमेट है वो कहता है कि सेंटर वॉज क्विक टू एसर्ट दैट इकोनॉमी अपीयर टू हैव बॉटम्ड आउट। और यहाँ पर जो स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल जैसे जो हमारी कोर 8 इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एवरेज ग्रोथ है वो सिर्फ 2.2% रही। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें एक्चुअल नंबर फॉर द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि बहुत ही की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे GDP के, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को जो होप थी हमारी इकोनॉमी की उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाइल अ डाउनवर्ड रिवीजन फॉर द डेटा फॉर 2018-19 हैव लेंट अ स्टैटिस्टिकल बूस्ट ऑफ 0.6% टू द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर। जो हमारा GFCF है, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर इट श्रैंक 5.2% इन द थर्ड क्वार्टर और डिक्लाइन हुआ था, गिर गया था 4.1% से जुलाई और सेप्टेम्बर में, बट अब थोड़ा सा वो बढ़ता हुआ हमें नजर आया। तो एक सिग्नल हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जस्ट नॉट रिकवरिंग और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया है, ओके, इट इज़ नॉट विदस्टैंडिंग। तो कंजम्पशन स्पेंडिंग टू रिमेन्स वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट चल रही है। और जो ऑटोमोबाइल सेल्स है वो अभी भी एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन के अंदर है। और कोरोना वायरस भी यहाँ पर, जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है वो भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 10, अभी जो इंडिया और US के बीच में हुई मुलाकात उसके ऊपर कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। यहाँ पर बात करता है कि पूरे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कोई भी ऐसी मेजर मीटिंग नहीं हुई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हों और US के प्रेजिडेंट मिले हों, और वहाँ पर 2008 की जो इंडिया का प्रॉमिस हम लोगों ने किया था टू परचेज अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसका जिक्र ना आया हो। जो जॉइंट स्टेटमेंट US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सामने रखी उसके अंदर भी बात की गई कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है वो फाइनलाइज करेंगे एक टेक्नो कमर्शियल ऑफर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया और जल्द से जल्द इनको बनाया जाएगा। तो सीरियस कंसर्न यहाँ पर एक उठता है, वो दो चीज़ों के बारे में है, एक है कॉस्ट के बारे में, दूसरा है सेफ्टी के बारे में। क्योंकि ये बहुत चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर हम लोग अमेरिकन रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन कंपीटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो महंगा तो पड़ेगा, मोर ओवर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सीरियस एक्सीडेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 2011 के अंदर फुकुशिमा डिजास्टर हम लोगों ने देखने को मिला था। वेस्टिंग हाउस ने यहाँ पर एक प्रायर अश्योरेंस के लिए इंसिस्टेंस किया है कि
कि इंडिया कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेगी वेस्टिंग हाउस के ऊपर, अगर मान लो न्यूक्लियर डिजास्टर जैसी कोई चीज होती है। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, देन वाई वी आर सो मच फोकस्ड टू गो इन टू दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। जो मेन बेनिफिशियरीज हैं फ्रॉम इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ रिएक्टर्स, वो यहाँ पर वेस्टिंग हाउस होंगे, और इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होगा दैट इज स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स रेलिवेंस गिवन द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो एनालिस्ट हैं वो ये एस्टिमेट करते हैं कि 2 AP 1000 यूनिट जो कि US ने अपनी स्टेट ऑफ जॉर्जिया के अंदर कंस्ट्रक्ट करी है, उसकी कीमत अराउंड $13.8 मिलियन है। इस रेट पे अगर हम लोग हमारे देश में 6 reactors इंडिया को ऑफर किए जाएंगे तो इनकी कीमत अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीस पड़ेगी। और अगर इंडिया इन्हें परचेज करती है तो इकोनॉमिक बर्डन किस पे पड़ेगा? आप और मुझ मेरे ऊपर, मतलब कंज्यूमर्स और टैक्स पेयर्स के ऊपर। 2013 में हम लोगों ने इस चीज़ को एस्टिमेट किया था दैट इवन आफ्टर रिड्यूसिंग दिस प्राइसेस बाय 30% टू अकाउंट फॉर द लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन इंडिया, जो फर्स्ट ईयर टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है इट विल बी अबाउट 25 रुपीज पर यूनिट। ऑन द अदर हैंड जो सोलर एनर्जी है वो 3 रुपीज पर यूनिट पे जाता है। बात बड़ा सवाल आता है कि ये कितना सेफ है। सो गाइस, न्यूक्लियर पावर कैन ऑल्सो इम्पोज अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट। तो लार्ज एरियाज हैं, दे आर कंटिन्यूइंग टू बी कंटामिनेटेड विद रेडिएटिव मटीरियल फ्रॉम 1986 एक्सीडेंट, जो चेर्नोबिल्स का एक्सीडेंट हुआ था। थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर रिमेन क्लोज ऑफ ह्यूमन इनहैबिटेशन। फुरुक्शिमा के अंदर यहाँ पर 2011 के अंदर डिजास्टर हुआ था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड लॉस हुआ था। तो इसके बारे में यहाँ पर बात हुई। गाइस, अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रीसेंट स्कीम पे यहाँ पर डील करता है जिसको हम लोग सूत्रा पिक के नाम से जानते हैं, द साइंटिफिक ट्यूटराइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर फ्रॉम इंडिजीनियस काउस। जो प्रोग्राम है इट कॉल्स फॉर रिसर्च प्रपोजल्स अंडर द 5 थीम्स। 5 थीम के अंदर रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि जो इंडिजीनियस काउस हैं उसके उनके पास यूनिक क्वालिटीज़ हैं, करेक्टर्स हैं, तो उनको हम लोग खोज के निकालेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें इंडिजीनियस काउस की, तो मल्टीपल स्पीसीज कैन को इवॉल्व एंड बिकम हाईली सुटेबल फॉर ईच अदर। फॉर इंस्टेंस, जैसे ह्यूमंस हैं दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। तो लैक्टोस इंटॉलरेंट इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोस, जो कि एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो कुछ ह्यूमंस को यहाँ पर लैक्टोस लेने में तकलीफ होती है। स्टडीज ने इस चीज़ को शो किया है कि जो लोग, जो इंडियंस, दे हैव लिव्ड विद काउस फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ब्रीडिंग देम, फीडिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दे आर एबल टू डाइजेस्ट मिल्क बेटर। ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर हम लोगों को डोमेस्टिकेट करने चाहिए एनिमल्स। जो को इवोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सवाल आता है कि काउ यूरिन या जो पंचगव्य के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज काउ डंग, यूरिन, मिल्क, कर्ड, घी, क्या वो कैंसर या बाकी सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर बात हो रही है काउपैथी के बारे में, कि ट्रीटमेंट यहाँ पर इंडिजीनियस काउ के प्रोडक्ट्स की मदद से किया जा रहा है जो कि आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी इलनेस भी लिखी हुई हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक टेस्ट में, ओके, जो कि सजेस्ट करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिजीनियस काउस। लिस्टेड डिजीज़ के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, डायरिया है, ओके, जिनके पेक्यूलर सिम्टम्स जैसे मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या डायबिटिक मेलिटस, इन सबको सॉल्व करने में यहाँ पर काउ प्रोडक्ट्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन कैन नॉट रियली बी मेजर्ड विदाउट BP अपैरेटस, ओके, तो वो चीज़ अभी बाद में आई। आयुर्वेद इस चीज़ की क्लियर अप्रोच नहीं देती है कि किस तरीके से डिजीज को मैनेज करें, दैट डू नॉट मैनिफेस्ट सिम्टम्स, ओके, वाइल इट डज डील विद द एजीमिया और सीरियोसिस जिसके सिम्टम्स होते हैं। तो इस सिम्टम वाली जितनी भी होती हैं, जैसे मान लो डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, उनको डील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो हम लोग करेक्टली नहीं कह सकते। अब कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर एक जेनेरिक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारी अलग अलग डिजीजेज के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। ये कोई सिंगल डिजीज नहीं होती कैंसर। तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सेल का, वैदिक टाइम्स के अंदर वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। देयरफोर इट वुड बी रॉन्ग टू प्रज्यूम दैट एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट वुड हैव डिस्कस्ड अबाउट द जेनेरिक डिजीजेस जो कि एबनॉर्मल सेल की वजह से सामने आई। और काउ यूरिन कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, गोट मिल्क तो और भी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर बताया जाता है, ओके, काउ मिल्क वॉज जनरली प्रेफर्ड ओवर गोट मिल्क, बट जो गोट मिल्क है उसको ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करने में गोट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं, खबर मिलती है स्टूडेंट सुसाइड, ओके, यहाँ पर बात हो रही है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड नियरली डबल्ड इन द लेट 2010
इन इंडिया। मेन रीजन क्या रहा? पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। लेटर जो रीजन है वो फैमिली इशू, इलनेस और लव अफेयर्स वाले इशू रहे। मैप डिपेक्ट करता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड 2014 और 2018 के बीच में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, एग्जाम प्रेशर बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आप लोग प्रेशर ना लें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें और लाइफ में कोई भी चीज़ अंत नहीं होता है। आर्टिकल 370 केस के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी लार्जर बेंच नहीं बैठेगी। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय जस्टिस एनवी नरिमन ने डिक्लाइन किया कि यहाँ पर लार्जर बेंच को हम लोग रेफर नहीं करेंगे। बेंच सेड इट वुड कंटिन्यू टू हियर द केस ऑन मेरिट्स, मेरिट्स पे केस सुनना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और बेंच सेड दैट डेट वुड बी फिक्स्ड आफ्टर कंसीडरिंग द डेट्स फॉर द 9 जज साबरीमाला बेंच। बेंच हेडेड आर्ग्यूमेंट्स एंड रिजर्व्ड इट्स डिसीजन कि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द जजमेंट ऑफ 1959 एंड 1970 ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे कंक्लूड किया गया जस्टिस रमन द्वारा कि कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। गाइस, जो 1959 जजमेंट थी, प्रेमनाथ कॉल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडिकेट करती थी कि आर्टिकल 370 वाज एप्लीकेबल ओनली टिल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड ऑन January 26, 1957। उसके बाद आर्टिकल 370 की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट नो फर्दर चेंजेस कुड बी मेड टू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। बट यहाँ पर जो संपत प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जजमेंट 1959, वो ये कंक्लूड करता था कि आर्टिकल 370 वाज परमानेंट इन नेचर एंड अ पेरिनियल सोर्स ऑफ पावर फॉर द सेंटर टू गवर्न इट्स रिलेशनशिप विद जम्मू एंड कश्मीर। बट प्रेमनाथ कॉल डिड नॉट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और संपत प्रकाश केस वेयर द कंटेंशन वॉज स्पेसिफिकली मेड बिफोर एंड रिफ्यूट, तो प्रेमनाथ केस के अंदर इंटरप्रिटेशन था कि यहाँ पर इट वॉज अ क्वेंट जजमेंट और एक टेम्प्ररी पूरा का पूरा प्रोविजन था। ऑल दो आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता है, पर जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे अंडर क्लॉज 2 एंड अंडर क्लॉज 3, उसको हम लोगों ने अमेंड कर दिया है। पेज नंबर 12, यूएस तालिबान डील से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिला। क्या आर्टिकल देखने को मिला? कि यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला है कि इंडिया वॉज कंसर्न ओवर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स एंड अदर अचीवमेंट्स मेड इन द अफगानिस्तान सिंस 2001, जब तालिबान रिजीम वॉज लास्ट डिफीटेड, बट इन इशूज़ को एग्रीमेंट के अंदर एड्रेस नहीं किया गया। जो एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करता है एक टाइम टेबल फॉर द विड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाई May 2021 एंड इंट्रा अफगानिस्तान डायलॉग इन March 2020। हाउएवर इंडिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए है कि इसमें इंडिया को कोई भी नुकसान ना हो। पेज नंबर 13, असेस टू इंटरनेट इज नॉट नेगोशिएबल, सेज लॉ मिनिस्टर। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है दैट द असेस टू इंटरनेट इज प्लेनली नॉन नेगोशिएबल एज इट फ्लोज फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन से ये फ्लो करता है, मतलब आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन ए से। सेंसस 2020 फॉर्म से रिलेटेड 34 क्वेरीज हैं उसके अंदर, और प्रायोरिटी पे सर्वे और एनपीआर को लेना चाहिए, ये बोला है यहाँ पर विवेक जोशी जी ने, जो कि हमारे देश के रजिस्ट्रार जनरल हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को 1961 के अंदर फाउंड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, फॉर अरेंजिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ द डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो पोजिशन है वो होल्ड करते हैं एक सिविल सर्वेंट जिनकी रैंक होती है रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट था, ओके, जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन थी इट वॉज सेटअप ऑन एन एडहॉक बेसिस फॉर ईच सेंसस टिल 1951 सेंसस। फिर सेंसस एक्ट को इनेक्ट किया गया 1948 के अंदर, जिसने यहाँ पर पूरी की पूरी स्कीम प्रोवाइड करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और एस्टैब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर इंडिया। जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड सेंसस। लेटर ये जो ऑफिस है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट की गई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो आपके लिए आज इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड
थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.